गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हम देखेंगे NIIT टेक। ओके, तो आज क्या होना चाहिए, तो NIIT टेक में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो ये एजुकेशनल पर्पज से है। ओके, तो हम आज ऑपरेशन करेंगे NIIT टेक का विद द हेल्प ऑफ एंड्रू स्पीच फोक राइट ट्रेंड लाइन ADX एंड CMO। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया हो तो, और ये वीडियो का लिंक अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए सो सेव दिस नंबर 9428740844 और आपका नाम और सिटी वहाँ पे भेज दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सेव द नंबर। सो दोस्तों, NIIT टेक अभी एक दोस्तों हमेशा एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी टॉप गेनर स्टॉक्स होता है तो इस दिन ऐसा हुआ होगा कि ये बहुत बड़ा था, तो कभी ऐसा भी मत सोचिए राइट कि भाई मैं मिस हो गया। राइट, मिस हो गया ऐसा सोच के आपने ले लिया तो यहाँ कहीं पर फंस जाओगे। कभी भी कोई स्टॉक टॉप गेनर में आता है तो कुछ ना कुछ न्यूज़ स्प्रेड होते हैं, लाइक कि NIIT टेक ने, मुझे पता नहीं क्या न्यूज़ होंगे उस दिन, शायद नहीं भी आए हुए होंगे राइट, स्प्रेड नहीं भी होंगे। तो शायद मान लीजिए कि NIIT को कुछ ऑर्डर मिला है, ओके, या फिर उसने कोई कंपनी को एक्वायर किया, ऐसा कोई भी न्यूज़ आता है और बड़े बड़े टारगेट आ जाते हैं उसी दिन के, 1600 है तो 2000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, ऐसी बातों पे कभी भी भरोसा ना करें राइट। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए, बिना स्टॉप लॉस के मत जाइए। अगर कोई कहता है 3000 होगा पर स्टॉप लॉस दिया है क्या, नहीं दिया है तो इट कैन बी द रॉन्ग नंबर, जो PK मूवी में हमने देखा था। कभी भी कोई स्टॉक इतना बढ़ता है ना तो तुरंत खरीदना नहीं है राइट, वेट कैसी वेट करनी है, या तो रिएक्शन यानी एक ऐसा दिन राइट, जो इस दिन का जो क्लोज है 1604.95 उससे क्लोज नीचे होना चाहिए, 5 पैसे नीचे होगा तो भी चलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्यूसडे, यहाँ पे जो देखिए ये जो था वो ट्यूसडे था 17 राइट, जिस दिन प्राइस बहुत बढ़ा था, ओके 17 दिसंबर। फिर नेक्स्ट डे देखिए, यहाँ का क्लोजिंग था 1604.95 और यहाँ का 1602.60, यानी इससे क्लोज नीचे आया, यानी इट हैज टेकन द रिएक्शन, तो उसको रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। फिर आपका ट्रेड बन रहा था ये हाई के ऊपर, ओके, या रिएक्शन या फिर इनसाइड बार यानी मिनिमम 1 कैंडल, ये जो टॉप गेनर हुआ है या बहुत बड़ा है राइट, जो बड़ा ग्रीन बार बना है उसके अंदर मिनिमम 1 बार चाहिए, यानी उसके हाई और लो के अंदर राइट। अभी बात करते हैं इसमें, या तो ट्रैप हो चुके हैं सब लोग, हो सकता है ये प्राइस कभी ना आए, या फिर हो सकता है ये प्राइस क्रॉस होने पे और बड़ा अप मूव आ जाए राइट। अभी देखते हैं, अभी ज्यादा चांसेस है अप मूव के राइट, सो वी विल लुक फॉर बाय ओनली, ओके, एंड वी विल डू पेपर ट्रेडिंग बिकॉज दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। तो दोस्तों देखते हैं इसमें अभी क्या हो सकता है। सबसे पहले मैंने जो एक चीज़ मार्क की, ऑब्जर्व की है, वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखिए, इस दिन जो बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, ड्रास्टिकल वॉल्यूम है। अब देखिए, आप कंपेयर कीजिए बाकी पास देख लीजिए राइट, इतना वॉल्यूम तो कहाँ, यहाँ पे हुआ था शायद 17th 2018 की बात है राइट, अक्टूबर की राइट, और वो प्राइस पूरा अलग था, वो प्राइस कुछ 1238 था और अभी तो 1600, तो इसको तो कोई लेना देना है नहीं अभी उसके साथ, ठीक है। तो इतना इतने सालों बाद यानी कह सकते हैं कि आफ्टर ऑल 1 ईयर से ज़्यादा हो गया राइट, और आपको इतना हाई वॉल्यूम मिला है। अभी इसमें क्या हुआ है, क्या गेम खेली गई है पता नहीं है, ओके। तो जिन्होंने लिया है उनको तो ठीक है, अभी स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ये ग्रीन बार जो बड़ा बार है उसी का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कोई रास्ता है नहीं। बट जिन्होंने नहीं लिया है और जिनको डिसीजन लेना है, तो ऐसे आप जब भी कोई ये स्टडी पर्पज से यूज़ कर सकते हो। अभी बात है दोस्तों, हमने ड्रॉ किया है एक पिच फॉर्क राइट, सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ हाइड अन हाइड टूल्स में जाके, ऐसे हम टूल्स को हाइड कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन को मैं निकाल देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक एंड्रूज पिचफॉक जो हमने ड्रॉ किया है ये पॉइंट से लेके राइट, और मेडन लाइन पे ही देखिए यहाँ पे इसको सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ऐसा दिख रहा है, जिससे कई लोग सप्लाई कहते हैं राइट। अभी वॉल्यूम इस दिन बहुत ज़्यादा हुआ था ग्रीन, ये जो बड़ा रेड जो ग्रीन कैंडल उस दिन, फिर थ्री डेज से इट वॉज टेकिंग द रेस्ट, और उन 3 दिनों में आप देखो तो वॉल्यूम ड्रास्टिकली ड्रॉप है। अभी कुछ पता नहीं है इसमें, इस दिन ज़्यादा हो सकता है बहुत सप्लाई भी हो गया हो राइट, लोगों को ट्रैप भी किया हो राइट, और जिन लोगों को ट्रैप किया गया हो अभी हो सकता है कि उन लोगों को निकालने की साजिश चल रही है राइट, जिन लोगों ने ये भाव में प्राइस में अगर बाई किया होगा तो उनको हो सकता है डराया गया हो कि निकल लिया राइट। अगर एक्चुअल ये बाइंग है ओके, और इन लोगों का शेयर अगर निकल जाता है, अगर डर जाते हैं राइट, जो इनोसेंट लोग हैं जिनको सीखना नहीं है राइट, जो ट्रैप हुए हैं, तो हो सकता है ये हाई टूट जाएगा राइट। तो हमें परफेक्ट प्राइस की वेट करनी है, तो वो परफेक्ट प्राइस है पिचफॉर्क की मेडन लाइन पे अभी है, हो सकता है अगर ये हाई क्रॉस हो गया तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो ऊपर की तरफ जाए और इसको टच करने की ट्राई करे। लेकिन अपना ट्रेड कैसे बनता है वो मैं बता देता हूँ, कभी भी हम टारगेट नहीं निकालते हैं, तो
तो ये हाई के ऊपर अपना बाइट रेट बनेगा, राइट, इट इज 1643.30। ये वैलिड माना जाएगा जब तक ये इनसाइड बार में है, जब तक ये बड़ा जो ग्रीन बार है 17 दिसंबर का, उसके अंदर जब तक वो एक्यूमुलेट होता है तब तक ये लेवल माना जाएगा, राइट। जिस दिन ये हाई ब्रेक होता है, राइट, उसका प्रीवियस डे यानी ये लो अपना स्टॉप लॉस बनेगा। देखते हैं अगर हम जाएंगे पेंट पे, दोस्तों वीडियो देखो लंबा या छोटा जानबूझकर हम नहीं बनाते हैं, हमारा काम आपको अच्छी चीज डिलीवर करना है, राइट। अभी देखिए अगर ये हाई ब्रेक होता है 1643.30 आज, राइट, तो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा फ्राइडे का लो यानी ये वाला, राइट, वो कितना है वो देख लेते हैं, वो है 1567.65, राइट। खरीदने के बाद जो अपना जो सेम फॉर्मूला है वही यूज करेंगे हम, बढ़ने दो, लेट इट गो अप एंड वेट फॉर द रेड कैंडल, राइट। तो जब भी रेड कैंडल बनेगा उसका लो आपका बन सकता है नया स्टॉप लॉस, राइट। सो रिवाइज द स्टॉप लॉस विद द हेल्प ऑफ रेड कैंडल्स, राइट। दूसरी बात, वॉल्यूम देख लिया हमने, राइट, अभी फिलहाल पता नहीं है ट्रैप हो रहा है या सप्लाई हो रहा है डिमांड, बट ये हाई के ऊपर कन्फर्म होगा, राइट। और एक बात जो हमने मार्क की है यहाँ पे, एक ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पे इसको देखो, उसी दिन जिस दिन ये बड़ा ग्रीन बना, राइट, उसी दिन उसने इसी को टच किया है, राइट, ये वाला ट्रेंड लाइन, राइट। तो यहाँ पे अभी पता नहीं चल रहा है सप्लाई आ रहा है डिमांड, बट कन्फर्म होगा ये हाई क्रॉस होने के बाद। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच, राइट, डोंट फॉरगेट टू टैग दिस स्टॉक, ओके। दूसरी बात, ADX का भी मैं आपको साथ साथ में थोड़ा दिखा देता हूँ कि मुझे क्यों ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, क्योंकि ADX में भी देखिए ये प्लस डी जो है वो 25 के ऊपर है, वाइट लाइन मिडल में है, सेंटर में है, और माइनस डी नीचे है, यानी दूर दूर तक अभी सेल की कोई संभावना नहीं है, राइट। लेकिन हमें बाय सेल क्या होता है अभी कोई दिक्कत नहीं, हमारा पूरा फोकस, हमारा ट्रेड स्टार्ट होता है 1643.30, जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होता है तब तक हमें कोई लेना देना नहीं, हो सकता है कल क्रैश भी हो जाए, पर हमारा कोई ट्रेड अभी सेल का इसमें मेरे हिसाब से नहीं बन रहा है, राइट, ट्रेड विद द ट्रेंड के फॉर्मूला के हिसाब से, ओके। सो दूसरी बात, CMO आप देखो तो यहाँ पे CMO में भी ये एक्शन यानी बड़ा फिर रिएक्शन है, अभी फिलहाल 41.89 है, अगर 50 के ऊपर कल चला गया तो ये लेवल जब भी क्रॉस होता है तो ये 50 के ऊपर जाएगा और अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ आने के चांसेस है, ओके दोस्तों। तो आज इतना ही, इसको वॉच कीजिएगा और बहुत अच्छा वीडियो बनाया मेरा, हो सकता है अब तक का सबसे फेवरेट वीडियो है, इसको लाइक कीजिए दोस्तों। आप एक दिन में बहुत बार अपनी मोबाइल की टच स्क्रीन पर टच करते हैं ना, तो एक बार हमारे लिए कर दीजिए, ओके। सो लाइक करना मत भूलिएगा और आपके जितने भी स्टॉक मार्केट ग्रुप हैं उसमें फॉरवर्ड कीजिएगा। तो आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ विद द न्यू एक्सपीरियंस विद द न्यू नॉलेज। गुड बाय, टेक केयर एंड फॉलो द स्टॉप लॉस।